अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली इसको ग्रुप में शेयर कर दें लाइव वीडियो को, ताकि सबको पता और ज्वाइन कर सकें। हाँ, 5 मिनट वेट कीजिए ताकि सब ज्वाइन कर लें, तो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ पर डिस्कस स्टार्ट करते हैं। इसको ग्रुप में शेयर कर दें लाजमी, ताकि सब ज्वाइन कर सकें। और अपने दोस्तों को भी टैग कर दें ताकि वो भी आ जाएं। सुल्तान और मुल्तान ग्रुप में शेयर कर दें, और पाकिस्तान एसयू ब्लॉगर दोनों ग्रुप में शेयर कर दें। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम इरतदा भाई, आई विल ट्राई, क्या मेरे पास टाइम होगा तो मैं हिंट्स दे दूंगा, थोड़े टिप्स दे दूंगा इंशाल्लाह, तो उस चीज़ पे हम कवर करेंगे। सब शेयर कर दें ग्रुप में, सिर्फ सुल्तान और मुल्तान और पाकिस्तान एसईओ ब्लॉगर में ही शेयर करनी है वीडियो, और कहीं शेयर नहीं करनी। और दोस्तों को टैग कर दें, क्योंकि बहुत सी कंप्लेंट आ रही थी कि आप लोग जूम पर क्लास करवाते हैं, वहाँ पर 100+ लोगों को, उससे ऊपर लोग आ नहीं सकते। तो अब गिला करते हैं, तो मैंने कहा चलें, आज मैंने टेस्ट किया फेसबुक लाइव को, कि फेसबुक पे ही स्क्रीन शेयर कर कर फेसबुक लाइव से, तो आप लोगों को प्रॉपर कर सकूं, आप कर सकें सारा कुछ। तो आई होप आप सबको वॉइस और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है, तो मुझे बता दें, कोई ब्लर तो नहीं स्क्रीन नज़र आ रही? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कुछ चीज़ें अभी मैं रिसर्च कर रहा था, आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह, कामयाब होंगे। बात यह है कि अभी 5 मिनट वैसे बात कर लेते हैं, कि चीज़ें आती हैं रिसर्च करने से, सर्च करने से। मैं भी आपकी ही तरह हूँ, इस फील्ड में आया और काम किया, लेकिन थोड़ा फर्क ये आ जाता है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मैं चीज़ करता हूँ, तो मैं उस पर सर्च करता हूँ, गूगल पर जाता हूँ, 4 जगह पर जाता हूँ, खुद सर्च करता हूँ उस चीज़ को, कि क्यों नहीं मिल रही भाई, ऐसी कौन सी बात है कि हमें नहीं मिल रही। इस चीज़ का इस एटीट्यूड रखो और समझो उस चीज़ को। अब ये हो गया है कि ग्रुप में 70 to 80% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी हमें प्लेट में डाल के दे दो, हम खा लेंगे। वो कर भी देंगे हम, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जब तक हम कुछ करके देंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। जब खुद रिसर्च करोगे उस चीज के बारे में, पता होगा कि
1 वीक लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। क्या होगा, आपको पता होगा कि नहीं यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ठीक है, अच्छा ऐसे रिसर्च करनी है, नहीं यहाँ पर मैं इस तरह अपने हिसाब से रिसर्च कर सकता हूँ, अपने वे से निकाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि जो नुमान ने बताया था मैं उसी के हिसाब से करूँ काम, ऐसा नहीं है। लकीर का फकीर जो बनता है वो तो इस फील्ड में रह जाता है। तो हमेशा कोशिश किया करो कि अगर मैं एक या उस्ताद जी या कोई भी आपको ग्रुप में जो मेंटोर्स हैं बहुत से फेसबुक पर आपको कोई भी तरीका बताता है, उस तरीके को तो आजमाएं, लाजमी का आजमाएं, उस पर काम भी करें, लेकिन कोशिश करें कि उस काम को किसी और वे में आप कर सकते हो कि नहीं। ये आपकी रिसर्च, आपकी मेहनत होगी। हमने तो जो बताना था वो बता दिया, आपने क्या किया, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आप जब खुद कुछ और उस पे, उस और वे से उस पे काम करोगे ना, तो आपको और सी चीजें समझ आएंगी। क्या पता जो हम चीज समझा रहे हैं उससे वो 10 टाइम बेटर आपको चीज मिल जाए। ये चीज सोचा करें हमेशा काम करने से पहले। तो पॉइंट ये है बेसिकली कि मेहनत करना शुरू कर दो, और आगे जो 1-2 साल आ रहे हैं उसमें बहुत कंपटीशन है इस चीज में। हर बंदा SEO सीख रहा है, हर बंदा कोई CPA कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, फाइवर पे अंधाधुन हुए पड़े हर चीज। तो स्किल लर्न करो। अभी मैंने जब ये पोल लगाया था कि यानी कि माइक्रो निश करनी चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए बैकलिंक का, तो नीचे किसी ने एक पोल बनाया था कि जी विदाउट स्किल अर्निंग का बताएं। तो मेरे भाई वो आपको धोखा देने वाली बात है। पहले स्किल लर्न करो, उस चीज को समझो कि वो क्या हो रहा है। जब हम विदाउट स्किल भागते हैं ना, तो वो समझो कि आप दीवार में सर मारने वाली बात है। चलो ऐसा कोई चीज मिल भी जाएगी आपको, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकी रहेगी। तो पहले यहाँ पे जितने न्यूबीज हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, ठीक है, कोशिश करें कि स्किल लाजमी लर्न करें। कोई ना कोई स्किल आप में होनी चाहिए, और इंटरनेट पे आप कुछ भी बेच सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ, वो क्या करता है। अगर कोई लाहौर से, तो उसको पता होगा कि एक बड़ा स्टेशन है वहां पे, लंडा लगता है, बहुत बड़ा लंडा है। वो वहां पर जाता है, वहां से जूते खरीदता है, बैग खरीदता है, ठीक होता है, जो वो 50 रुपये 100 रुपये में उसे मिलता है एक पेयर जूते का, या 50 या 100 रुपये में वो बैग खरीदता है। घर आता है, उसको वो सर्फ एक्सेल या चीजों से धोता है प्रॉपर, फिर क्या करता है अपने मोबाइल से उसका शूट करता है, थोड़ी सी एडिट करता है फोटोशॉप में, यानी प्रॉपर उसके कलर वगैरह सेट करता है, OLX पे लगा देता है, फेसबुक पे लगा देता है, और वो 100 वाली चीज वो 1000 रुपये की, 800 रुपये की बेच देता है, ठीक है। और अगलों ने ही डिलीवरी चार्जेस भी देने होते हैं, सारा कुछ करना होता है। तो काम करने से आता है मेरे भाई। तो आप जितने भी लोग हो, कोशिश ये करो यार कि काम खुद करो, रिसर्च खुद करो, नई चीज लाओ। अब हर चीज बिक रही है ऑनलाइन, हर चीज हो रही है। एडसन्स में अब इतना कंपटीशन आई जा रहा है, एडसन इतनी अपडेट्स दे रहा है, लोग एफिलिएट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि किसी की अगर साइट रैंक हो जाती है, हम क्या करते हैं उसी की 10 साइट्स बना देते हैं। ऐसा ना किया करो, अपना टॉपिक, छोटा टॉपिक फाइंड करो, लाजमी आपको उस पर फायदा होगा। लेकिन आप जब कुछ भी नहीं करोगे, लाइक आप कहोगे कि नुमान आ जाए, उस्ताद जी आ जाए, तन्वी नंदा आ जाए, ठीक है, कोई भी मेंटोर्स हैं बहुत से, ठीक है, जो आपको बता देंगे, आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, आप में स्किल डेवलप नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि लो भाई ये पंगे लेता रहता है, चवले मारता रहता है, इस तरह करता रहता है, क्या है? मैं 4 चीजें सीखता हूँ जो आप लोग नहीं सीख पाते, चाहे मेरे से वो गलत हो जाती है चीज, ठीक है, लेकिन मैं उसे 4 चीजें सीखता हूँ। जी स्पिन कॉन्टेंट से रैंक नहीं होता, लॉन्ग टर्म नहीं होता, मैंने वो भी ट्राई करके देखा है। फिर जी ये हुआ कि जी इवेंट ब्लॉगिंग मैंने की, फर्स्ट टाइम मैंने की, तो जी इवेंट ब्लॉगिंग के लिए गेस्ट पोस्ट जरूरी है जी, इसमें PBNs देने जरूरी है, ये चीजें आई। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वो इवेंट ब्लॉग सिर्फ ब्लॉग कमेंट से रैंक किया, यानी कि जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो PBN नहीं खरीद सकते, गेस्ट पोस्ट नहीं खरीद सकते, तो वो क्या करें। तो मैंने उस इवेंट को सिर्फ ब्लॉग कमेंट्स पे रैंक किया, मैंने उस पे प्रॉपर मेहनत की, 1 मंथ डेली 200-300 ब्लॉग कमेंट्स बनाने लिया मैंने रिस्क की, क्योंकि वो डेड हो जाती फिर क्या होता। मैंने उस पे काम किया, और उसने वैलेंटाइन डे वाले दिन आई थिंक 1 लाख प्लस ट्रैफिक आई थी उस पे। तो क्या हुआ कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मैंने रिस्क भी लिया, मुझे ये भी समझ आ गई कि हाँ भाई अगर मैं डबल मेहनत करता हूँ तो मैं ब्लॉग कमेंट से भी ट्रैफिक लेके अर्निंग कर सकता हूँ। तो भाई जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कोशिश ये किया करो कि इस चीज पे आपने आपको स्किल लर्नर बनाओ, ठीक है। ये नहीं है कि आप बस लगे रहो, जो कोई बता रहा है सेव करते रहो,
जी हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं होता जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, चार चीजें खुद नहीं सीखोगे। अब लकीर का फकीर बनोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हमारे पास 200+ लोग हो गए हैं, तो क्या ख्याल है फिर स्टार्ट किया जाए माइक्रो निश रिसर्च के बारे में, थोड़ा तीन चार चीजें आपको बताई जाए। काइंडली 1+1 लिख दीजिएगा कि आपको स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही है कमेंट में। चलें जी, गुड हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें था, नोटपैड ओपन कर लेना, मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूं कि जो फुटप्रिंट है या जो चीज़ें हैं वो मैंने क्या करनी है। जो थोड़ी सी मैं चीज़ें बता दूं कि अगर आप एफिलिएट का सर्च कर रहे हो, माइक्रोनिश पे भी काम कर रहे हो एफिलिएट के, तो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसमें फुटप्रिंट ये है कि आपने 3 से 4 कीवर्ड्स उस अपने टॉपिक में ऐसे फाइंड करने हैं जिसके साथ अपने रिव्यू लगा के देखना है, बेस्ट लगा कर देखना है, टॉप 10 लगा कर देखना है और चीप प्राइस। रिव्यू, बेस्ट, टॉप 10 एंड चीप प्राइस, ठीक है। आप जो भी कीवर्ड फाइंड करो उसके पहले या बाद में ये लगा कर देखना है। जितनी भी अमेजोन निश होंगी इन उनमें ये 4 से 5 जो मैंने आपको कीवर्ड बताए हैं, ये वर्ड आपने लाजमी अपने कीवर्ड के साथ लगा कर देखना है। अगर इन पे सर्च हो तो आपने जाकर करना है उस पे काम करना है, अदरवाइज काम नहीं करना। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब उन्होंने पहले उसके रिव्यू देखते हैं या बेस्ट लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ के बेस्ट ये कीटो डाइट होगी जी, रिव्यू कीटो डाइट हम लिख लेते हैं जी, चीप प्राइस इन कीटो डाइट, इस टाइप के लिखते हैं। तो ये जो वर्ड है 4-5 इनको लाजमी आपने यूज करना है जब भी आप एफिलिएट में कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लाइक हम अच्छा मैंने टैब चेंज किया, स्क्रीन चेंज हो तो मुझे बताइएगा कि वर्किंग कर रही है कि नहीं आपकी तरफ। ये मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि ये मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ एक्सटेंशन, तो ये ना कि स्क्रीन स्टक रहे और आप लोग बैठे रहो। चले, गुड हो गया। अच्छा, पहले ये चीज़ है कि माइक्रोनिश को मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, जहाँ पे एक्सपर्ट भी कुछ 4-5 बैठे हों देख रहे हों। तो माइक्रोनिश को मैं कैसे फाइंड करता हूँ, किस तरह टॉपिक फाइंड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द चीजें देखता हूँ कि यार अच्छा क्या हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि ये वीपीएन हम यूज करते हैं, जो होता है ये ब्राउजिंग, जैसे हम वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो लाइक हम ये रोज यूज करते हैं किसी ना साइट को एक्सेस करने के लिए, कभी हम कोई टूल को एक्सेस करने के लिए जो हमारी कंट्री में बैन होता है, इस तरह की चीजें, या हम वैसे सोशल शेयरिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एचरीज ओपन करना है। ये टूल है, पेड है, वैसे इसको आप 5 से 10 डॉलर में पर मंथ के लिए शेयर टूल को वैसे ग्रुप से बहुत से लोग हैं आप उनसे बाय कर सकते हो। तो आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर में आना है, यहाँ पर गूगल सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। क्यों, यहाँ पर भी मैं थोड़ा बताता जाऊं कि सपोज अगर आप यानी कि एशियन कंट्री सेलेक्ट करते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश टाइप आप कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर यहाँ पर आपकी 1000 ट्रैफिक आती है आपकी वेबसाइट पर डे की, तो आपकी एडसन पे 1 से 5 डॉलर के दरमियान बनेंगे, 1 डॉलर कभी बनता कभी 2 डॉलर बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनते होते। यहाँ पर हमें सीपीसी कह लें या एड रेट अच्छा नहीं मिलता, ट्रैफिक इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। इसी के बरक्स अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करते हैं
हमें तो बहुत अच्छी क्या होता है कि 100 100 ट्रैफिक पर मेरे वेबसाइट ऐसी हैं जिनके $30 $25 बन जाते हैं। तो सपोज अगर हम देखे जाएं कि अगर हमारी वेबसाइट पर 1000 ट्रैफिक आएगी तो हम $10 to $30 बना सकते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज पे काम करते हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज को ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि इनको हमें क्लिक रेट अच्छा मिलता है और ट्रैफिक को भी, इसलिए हम इसको प्रीमियम कहते हैं। दूसरा मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप एडसन्स पे कोई ये कहे कि फेसबुक से ट्रैफिक आ रही है और एडसन डिसेबल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ट्रिक यूज की होती है जिसकी वजह से एडसन डिसेबल होता है। तो फेसबुक की ट्रैफिक की वजह से एडसन डिसेबल नहीं होता। बहुत से लोग मुझे आके पूछते, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर दूं। दूसरा ये है कि कोई ऑथेंटिक चीज नहीं लिखी हो कि जी CTR 5 से अप जाएगा तो आपका एडसन बैन हो जाएगा। अगर आप रियल वर्क कर रहे हो तो CTR जितना मर्जी हो डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप रियल वर्क नहीं कर रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है। ये चीजें हमने, अच्छा जी, लाइक हम VPN पे बात करें तो अगर हम VPN यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं, अच्छा जी, अब ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर कि यूनाइटेड स्टेट में 898 के लोग इसको सर्च करते हैं मंथली, ठीक है। CPC हमें इस कीवर्ड पर VPN पर 4.50 मिल रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने दो चीजें देखनी है जब भी अपना कीवर्ड हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक पेड लिखा आ रहा होगा, एक ऑर्गेनिक लिखा आ रहा होगा। कोशिश करनी है ऑर्गेनिक की रेशियो 80%+ हो, ठीक है। जो आप टॉपिक सिलेक्ट करो उसमें 80% उसकी प्लस हो और पेड कम हो, क्योंकि पेड जो होता है इसमें समझो कि एड्स चल रहे होते हैं, एडवर्ट्स के चल रहे होते हैं, तो गूगल इनको अप रखता है। तो अगर ये पेड ज्यादा आएगा तो क्योंकि SEO को वो फिर गूगल प्रेफर नहीं करेगा, हमेशा एड्स को अब प्रेफर करेगा, तो जिसकी वजह से हमारी साइट रैंक होकर भी कम ट्रैफिक लेती है, ठीक है। तो ये चीज देखनी, कोशिश करनी है कि 80%+ आपकी ऑर्गेनिक शो हो रही हो, बल्कि 90%+ हो, सॉरी। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे चार चीजें मिलेंगी, हैविंग सेम टर्म्स, क्वेश्चंस ऑल्सो रैंक एंड न्यूली डिस्कवर्ड। अच्छा, जो तो आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी आपके आर्टिकल इतनी जल्दी बूस्ट कैसे कर देते हैं, तो हमें हमेशा एक बात याद रखो, जब भी आप आर्टिकल लिखो अपने कीवर्ड पर, तो जैसे कि अगर आपने ये टॉपिक रखा हुआ है तो ये क्वेश्चंस ऑल्सो रैंक और न्यूली डिस्कवर्ड, ये जो वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इनको लाजमी आर्टिकल में यूज करो, ठीक है। तो आपको आपका जो आर्टिकल होगा वो ज्यादा अच्छा बूस्ट करेगा, वो ज्यादा अच्छी बूस्टिंग देगा आपको। ये आप ट्राई कर लेना, मैंने टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एज इट इज हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, जो इसके हैविंग सेम टर्म्स आ रहे हैं VPN के, तो हम इसके व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें बहुत से कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ये कीवर्ड्स की इतने कीवर्ड्स हमें मिल गए, ठीक है। अब ये है कि एक चीज आप और नोट कर लो, अगर आप AHrefs पे सर्च कर रहे हो तो मैंने एक चीज यानी जो अपने हिसाब से बनाई है कि अगर आपका KD 25 से बिलो होता है तो इजी टू रैंक है, जैसे कि AHrefs भी बताता है। कीवर्ड जो है वो मिनिमम टू वर्ड्स होना चाहिए जब आप कीवर्ड सेलेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हमने इसमें देखनी है। लाइक अगर यहां से मैं KD कर देता हूँ मिनिमम 0, मैक्सिमम अभी मैं 20 कर देता हूँ कि जी मैं उससे भी इजी लेना चाह रहा हूं। अच्छा, और माइक्रो निश में आपका जो कीवर्ड का वॉल्यूम है वो मिनिमम 100 भी चलेगा, यानी अगर उसकी सिर्फ 100 सर्च है तो उसको भी आप उठा लो, वो बेस्ट है, ठीक है। अब यहां से हम इसका कर देते हैं वर्ड काउंट मिनिमम, हमें हम सपोज कर देते हैं 3 वर्ड्स, अच्छा। अब यहाँ पर क्या हम गलती करते हैं कि जैसे अवेस्ट आ रहा है या इस तरह के जो पॉइंट आ रहे हैं, हम इन्हीं को सिलेक्ट करके इन पे काम कर लेते हैं। अब जैसे कि कुछ ब्रांड्स बन चुके होते हैं जिनको लोगों को, हर बंदे को पता है, हर बंदे के मुंह पे होता है अवेस्ट एंटीवायरस हो गया, इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, तो ठीक है, तो उनमें ऑटोमेटिक कंपटीशन ज्यादा होगा, हमें ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस पर हर बंदा काम कर रहा होगा। तो कोशिश करो कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करो तो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करो कि यार वो किसी के जेनो गुमाम में भी ना हो, कि यार अच्छा ये भी है लेकिन रिसर्च हो, हम लोगों के इर्द गिर्द वो इतना लोग सर्च ना कर रहे हो, ठीक है। ये चीज देखो, अब इसमें हम देखते हैं जी, एक तो ये कीवर्ड आप जिसमें फ्री वर्ड आ रहा हो इसको सिलेक्ट नहीं करना आपने, ठीक है, इनको आपने सिलेक्ट नहीं करना। अब यहां पर एक आ रहा है ट्रस्ट जोन VPN, ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं।
ठीक है जी। अब यहां पर हम चीज देखते हैं, दो चीजें, एक तो इसका पेट जो है वो 5% ऑर्गेनिक, 95% है, ठीक है। तो यानी कि हमें यहां से होगा कि हाँ जी ज्यादातर 95% लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सीपीसी भी हमें अच्छा मिल रहा है और वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है। माइक्रोनिश का क्या होता है कि माइक्रोनिश में हमने ये नहीं देखना होता कि वो 30K वॉल्यूम शो कर रहा हो तो फिर जाके आपने सिलेक्ट करना है उसको। माइक्रोनिश पे अगर आपका मेन कीवर्ड भी 2 से 3K वॉल्यूम शो कर रहा है, 3K भी, तो उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। सॉरी। अच्छा, अब यहां पर हम आते हैं कि जी हमारा मेन की टॉपिक आ गया ट्रस्ट जोन वीपीएन, ये हमारा टॉपिक आ गया माइक्रोनिश का। हमने एज इट इज हैविंग सेम टर्म्स में जाना है। सॉरी। वीडियो ठीक आ रही है? अभी एक भाई का कमेंट आया कि वीडियो ब्लर हो रही है, तो मुझे काइंडली साथ साथ बताते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे। अच्छा, तो अब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारा ट्रस्ट जोन जो मेन कीवर्ड है उस पे 5.2K वॉल्यूम है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब ट्रस्ट जोन वीपीएन रिव्यू, ठीक है, इसमें 2KD है, 1K है, यहाँ तक। अब हमारे अगर हम यहाँ तक इसके कीवर्ड्स देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कीवर्ड जो आ रहे हैं वो 4 कीवर्ड्स हैं जिन पे ट्रैफिक अच्छी है, जिनका KD भी ठीक है, लेकिन हमने माइक्रोनिश पे कम अज कम 10 कीवर्ड सिलेक्ट करने, ठीक है, कम अज कम 10 कीवर्ड सिलेक्ट करने, और मिनिमम वॉल्यूम उनका 100 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना है, ये जैसे कब 80 आ गया, तो दैट्स व्हाई हमारे पास 4 कीवर्ड आ गए हैं, तो इस टॉपिक पर हम काम नहीं करेंगे। हमने 10 कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं और जो मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए वो 100 होना चाहिए माइक्रोनिश में, जो मैं करता हूँ। बाकियों का नहीं पता कि वो किसी और मेथड से करते हो, तो मैं उसको ज्यादा नहीं देखता, ठीक है। तो मैं ये चीज ज्यादा नोट करता होता हूँ इन चीजों को। अच्छा, दूसरा, अब आपको समझ आ गई है कि आप किस तरह रिलेटेड में जा सकते हैं। एक और टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कि मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था, लोगों ने काम नहीं किया। मैंने उस पर 10 वेबसाइट्स बनाई उन टॉपिक्स पे, उन माइक्रोनिश पे, और वो सारी विदाउट बैकलिंक रैंक हुई। मैंने कुछ का एसएस भी शेयर किया था, लाइक हम दिखाता हूं मैं आपको। वो है कूपन, ठीक है। अब हमारे माइंड में कूपन से दो ही चीजें आती हैं, बल्कि एक ही चीज आती है कि होस्टिंग और डोमेन के कूपन, और कोई हमें नहीं पता कि जी कूपन्स होते भी हैं कि नहीं होते। तो ये हमने सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि हम गूगल पे जाके कूपन सर्च करते हैं, आई थिंक नेट स्लो है या फिर टूल में थोड़ा मसला है, तो सॉरी फॉर दिस। प्लीज 2 मिनट वेट कीजिएगा ताकि ये अपडेट हो रहा है, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूं। अच्छा, अभी तक जितना मैंने समझाया है, आप लोगों को समझ आई बात कुछ?
मैं एक मरतबा टूल दोबारा इसको री लॉगिन कर लूं। वो सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके टूल का प्रॉब्लम आ रहा है, इसी वजह से नहीं शो कर रहा। ये आप देख लो। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बतानी थी, लेकिन अभी भी ये टूल का प्रॉब्लम आ गया। आई होप कि जल्दी हमारे बातें करते तक ये सही हो जाए। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कोशिश करते हैं कि ये जल्दी प्रॉब्लम हल हो जाए, अल्लाह करे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और शेयर की हैं। कंटेंट या कीवर्ड टाइप्स, ये हमने बहुत ज़रूरी है हमारे देखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में यह है कि मेरे ख्याल में जो कीवर्ड टाइप्स होती हैं वो फोर टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक होता है कंटेंट कीवर्ड, वीडियो कीवर्ड, प्रोडक्ट कीवर्ड और सर्विस कीवर्ड, ठीक है। जो चीज़ें मैं देखता हूँ, अच्छा कंटेंट कीवर्ड में जो सिंपली आपने, अब क्या मैं कैसे चीजें देखता हूँ कि ये कीवर्ड किस टाइप का है, मैं उस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करता हूँ सिंपली, कि अब इसमें यानी कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये चीजें हैं कि मैं अपने कीवर्ड को सर्च करता हूँ और उसमें कंटेंट, अगर तो टॉप पर कंटेंट आ रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि यार ये जो कीवर्ड है ये कंटेंट टाइप है। अगर गूगल उस पे फर्स्ट प्रेफर कर रहा होता वीडियो को, तो मैं उसको समझता हूँ कि वो वीडियो कीवर्ड है। और प्रोडक्ट कीवर्ड को मैं ये देखता हूँ कि अपने मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, अगर टॉप 10 में कोई ऑनलाइन शॉप आ जाती है, ई कॉमर्स शॉप आ जाती है, अमेजोन आ जाता है, कोई भी लोकल शॉप आ जाती है, तो मैं उसको प्रोडक्ट कीवर्ड कंसिडर करता हूँ ऐसे ही। और दूसरा ये है कि मैं सर्विस कीवर्ड को इस तरह देखता हूँ कि अगर आपके टॉप 10 में कोई मैप आ जाए, कोई डायरेक्शन आ जाए, ठीक है, कोई एड्रेस आ जाए, तो उसको मैं सर्विस कीवर्ड में लेके जाता हूँ। कोई रिव्यू टाइप चीज आ जाए जिसमें लोग फिजिकली मांग रहे हो चीज, ठीक है। तो ये चीज है, तो जब भी अपना कीवर्ड टॉपिक सर्च करो तो 1 टाइम उसको गूगल पे सर्च करके देखो कि गूगल किस चीज को प्रेफर कर रहा है, किस चीज को अप लेके आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका जो कीवर्ड है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो ये चीजें उसमें देखो। आई थिंक मैं एजरी चेक कर लूं, हाँ चल गया कि नहीं, दोबारा उसको हम री ओपन करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही एजरी का आपको टैब शो हो जाए मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी। तो अब जैसे कि हमने ये है कि हमने कूपन लिखा और इसको हमने सर्च कर लिया यूनाइटेड स्टेट में, तो हमारे पास अपडेट आ जाएगी, हम इसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वही प्रॉब्लम है, अल्लाह करे फेच करे इस चीज़ को। तो बेहतर है कि मैं एक बैठा हुआ था मूड में कि आज सारा बताऊँ आप लोगों को, तो इस चीज़ को हम कर सकें, बाकी आप लोगों की किस्मत पे है। ठीक है भाई, उम्मीद अली दे देना, अब थोड़ा जो कर रहे हैं उसको समझ लो। टूल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है
जब आप काम नहीं कर रहे होगे वो 100% वर्क कर रहे होंगे, जब काम करने बैठोगे उनको उसी टाइम ही मौत पड़ती है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया जी, हमने सिर्फ अभी कूपन सर्च किया है तो उसको बता रहा है कि वो 105 के जो है वो वॉल्यूम यूनाइटेड स्टेट में लोग सर्च कर रहे हैं और क्लिक 68 के हैं, ठीक है। सीपीसी हमें 1 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अभी हमारे इस कीवर्ड पर 33% लोग एड्स चला रहे हैं, ऑर्गेनिक 67% है। अब हम एज इट इज, जैसे कि हमने मैंने आपको कहा था कि आप हैविंग सेम टर्म्स में जाओगे, ठीक है, आपने इसको व्यू ऑल किया, बहुत ही टूल ना आराम से चल रहा है आज, लगता है उसको भी जल्दी नहीं है। अच्छा, इतने तक ये शो होता है, हम देखते हैं। मैं दूसरी आपको चीज दिखाता हूँ कि बेसिकली ऐप स्टोर से आपने किस तरह करना है। एक तो ये चीज है कि अगर आप किसी ऐप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो माइक्रो निश पे, ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने कभी फ्री सॉफ्टवेयर ऐप एप्लीकेशन जो भी है उस पे साइट नहीं बनानी जो पहले ही फ्री है, ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों की साइट देखी है जो फ्री पे ट्रेंडिंग्स में आ रही है साइट्स, उन पे ही उन्होंने क्या किया साइट बना दी है। गलती ये करते हैं के यार फ्री तो पहले ही वो चीज मिल रही है तो आप क्या नई चीज दे रहे हो। अपने माइंड में एक चीज रखा करो जब वेबसाइट बना रहे हो तो वाई के हम क्यों दें, यानी कि हमारी साइट पर क्यों लोग आए, हमारी साइट पर ऐसा क्या पड़ा है कि जो दूसरों की साइट पे नहीं पड़ा हुआ, या ये जो ऐप है ये खुद नहीं प्रोवाइड कर रही, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो कि यार उसमें एक ना वर्ड लिख लिया करो वाई। तो ये चीज आप उसमें देखो, हमेशा जब आप यहां पर आओ आप यहां से टॉप चैट्स क्लिक करो, यहां पर आपको टॉप पेड एप्स मिल जाएंगी, ठीक है, इनको आप देखो, यहां से कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर क्या है कि यहां पर देखो सबसे ज्यादा डाउनलोड्स और रिव्यूज किसके अच्छे हैं, ठीक है, ये नहीं देखना कि महंगी कौन सी है, डाउनलोड और रिव्यू किसके सबसे अच्छे हैं। अब ईच गेम के साथ या ये जो भी ऐप आ रही है इसके आगे आप ये पावरफुल वर्जन अनलॉकर लिखा आ रहा है, इसको आप सर्च करो कि इसका क्रैक ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, डाउनलोड लिखा हो इसके आगे। हाँ, अब ये चीज मैं आपको बता दूं थोड़े से फुटप्रिंट के, अगर आप ऐप एपीके टाइप पे काम करते हैं तो उसमें आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करना है उसमें से 3-4 ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जिनमें डाउनलोड आ रहा हो, ठीक है, प्रो वर्जन लिखा आ रहा हो, प्रीमियम लिखा आ रहा हो, एपीके लिखा आ रहा हो, ये 3-4 आपने जो वर्ड है ये लाजमी अपने कीवर्ड में ऐसा फाइंड करना है जिसपे सर्च हो वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में नहीं लिखते रहना, चीट कोड सबसे ज्यादा सर्च होते हैं, ये देखो। नहीं यार मेरा नेट ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, ये अभी प्रॉब्लम हुआ है। इससे पहले मैं एक क्लास लेने से पहले मैं बड़ा इजीली काम कर रहा था, आप लोगों की रिसर्च भी कर रहा था, तो इस चीज के अभी मेरा जो 90% आपको क्लास देनी थी वो थी, क्या कहते हैं इस पे थी। अच्छा, अल्लाह करके शो हो ही गया है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं एज इट इज, हमें जो अब कूपन शो हो रहे हैं इस पे आपने क्या करना है, एज इट इज 0 मिनिमम आपने केडी रख देना है, मैक्सिमम आप 20 रख दो उसमें और अप्लाई कर दो। वर्ड काउंट जो है आप मिनिमम जी 3 रख लो और उसको भी अप्लाई कर दो। हाँ ये यार एच का ही मसला आ रहा है,
उनका डाउन जा रहा है, या जो टूल प्रोवाइडर्स हैं उनके कोई सर्वर डाउन जा रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखो कि कितने और टाइप के हम कूपन्स दे सकते हैं जो ऑनलाइन लोग सर्च कर रहे हैं। अगर हम ये देखें, ये एक ये है इसका, इसको हम गूगल पर सर्च भी करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके रिलेटेड कीवर्ड में देखो तो कितने लोग कूपन्स के रिलेटेड उसके मैन्युफैक्चर कूपन सर्च कर रहे हैं, फ्री ट्रायल वाउचर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अब ये इजीली आप इस कीवर्ड पर काम कर सकते हो। अभी ये टूल काम नहीं कर रहा, रिलेटेड टॉपिक हर चीज, तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर काम करो कि जी सिर्फ आपके पास होस्टिंग डोमेन के ही कूपन हैं। अब इसके आप देखो कि 22 के सर्च है। अब इसमें यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो जाती है कि ये 49% लोग पेड एड चला रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इस पे काम कर सकते थे। इसी तरह आप और कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, उसके माइक्रो निश में जाकर एक ही चीज पर काम कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर साइट शो नहीं करवा सकता क्योंकि यकीनन सी बात है कि वो कॉपी हो जाएगी, 50 कॉपीज बन जाएंगी, तो वो मैं चाह नहीं रहा। तो मैं आपको वो लाजमी दिखाता कि मैंने जैसे काम किया है उस चीज पर और किस तरह उसको लेके चला हूं, और एज इट इज 10 कीवर्ड ही सिलेक्ट किए हैं और उन पे काम किया है मैंने। स्क्रीन नॉट फुल क्यों यार, सही तो आ रही है। ये देखें जी, होंडा ऑयल चेंज कूपन, यहां तक चीजें हैं हमारे पास। यहां पर अगर हम केडी जो है इसको हम 25 पे ले जाते हैं तो आई थिंक मुझे और अच्छे कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ये देखें एलिमेंट वेब कूपन, हम इसको देखते हैं शायद हमें इसका अच्छा मिल जाए। अब ये देखें, पेड लोग इस पे 2% काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक 98% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, केडी आप देख सकते हो, सीपीसी इसका अच्छा है, एज इट इज इसके जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो भी हमें इसके रिलेटेड अच्छे मिल जाएंगे। माइक्रो का मतलब ये होता है कि आप एक ही टॉपिक पे काम करते हो, एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हो, उस चीज को हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो एलिमेंट वेब कूपन आ गया। ठीक है जी, इसका केडी 0 है। यहाँ पर हमें, हम 100 तक जाते हैं तो हमें इजीली 10 कीवर्ड्स मिल जाते हैं और हम उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हम देखते हैं जी, इस कीवर्ड को हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी ऑन पे जैसी जो टॉप 10 कंपिटिटर्स है तो उन्होंने कैसी की हुई है। तो जैसे हमारे पास एसईओ टूल स्टेशंस है, उस्ताद जी की वेबसाइट है एसईओ टूल स्टेशन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कंपटीशन में आके यहाँ पर जो हम कंपटीशन देखते हैं वो कंपटीटर्स का, वो ऑन पेज एसईओ का शो होता है। यहाँ पर आपने, हमने कीवर्ड ऐड किया और उसको चेक किया। लोग तो कहते रहते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि एडसन का फ्यूचर नहीं है, काम सारे कर रहे होते हैं। जो कहते हैं ना कि माइक्रो का फ्यूचर नहीं है, उनकी अपनी 20 वेबसाइट्स होती हैं, ये याद रखना। अच्छा अब ये देखो जी, हमारे टॉप 10 कंपिटीटर इस कीवर्ड पर जो ऑन टॉप 10 कंपिटीटर्स हैं उन्होंने ऑन पेज एसईओ कैसी की हुई है। अगर हम यहाँ पर यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो 1 2 3 फर्स्ट 4 5 वेबसाइट ने यूआरएल में कीवर्ड को यूज ही नहीं किया ये, और 6 7 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर यूआरएल में कीवर्ड को यूज ही नहीं किया। तो यानी कि इस कीवर्ड पर टॉप 10 कंपटीटर्स जो बैठे हैं उन सब की ऑन पेज एसईओ वीक वीक है।
उन्होंने प्रॉपर टारगेट ही नहीं किया होता। अगर हम ऑन पेज एसईओ अच्छी करते हैं, यूआरएल में प्रॉपर कीवर्ड टारगेट करते हैं, तो हम इसको रैंक कर सकते हैं इजीली। उस स्क्रीन की उस साइड पे भाई वैसे भी यूआरएल ही शो हो रहे हैं, कोई और चीज नहीं शो हो रही। जो इस साइड पे दिखा रहा हूँ वो आप देखो, सोहेब जावेद अब्बासी भाई। अब यहां पर आ जाता है कि 10 कीवर्ड्स पर आपने कैसे काम करना है। ठीक है, मैं वो भी आपको पैटर्न बता देता हूं, तो आपने वैसे काम करना है। अच्छा, सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। सपोज हम इसको देख लेते हैं। यार तुम लोगों को फिर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, अब बताना जरा स्क्रीन क्यों हाफ आ रही है। इसको नेक्स्ट टाइम सेट करते हैं। अच्छा, यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ये सपोज हम कर लेते हैं जी, हमारे जो हैं 10 कीवर्ड्स हैं। आपने क्या करना है कि जब आपने इन पे आर्टिकल लिखना है, तो पहले आपने एक आर्टिकल लिखना है मिनिमम 2000 वर्ड्स का। ठीक है, उसमें ये जो 10 कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड तो आपका है जो आपने वो यूज करना ही है। ठीक है, बाकी जो 10 9 आपके रिलेटेड कीवर्ड हैं, जो आप 9 और दूसरे सर्च कर रहे हो, उनको एज अ हेडिंग आपने इस 2000 वर्ड आर्टिकल में यूज करना है। ठीक है, और उनको आपने इंटरलिंक देना है। बाकी अब बाकी कीवर्ड्स पे आपने क्या करना है, जो आपके सारे कीवर्ड्स हैं उन पे आप 400 to 600 वर्ड का आप आर्टिकल लिखो। ठीक है, बाकी जो आपके 9 कीवर्ड आ जाते हैं उन पे, ये जो है आप होम पेज के लिए लिख रहे हो। ठीक है, आई थिंक स्ट्रक्चर तो पता होगा ना कि होम पेज के लिए आपने, तो ठीक है। अब 9 हेडिंग्स बनाओगे, उन 9 हेडिंग, ये जो 9 कीवर्ड हैं उनको आप होम पेज से यूआरएल दोगे। ठीक है, और ईच पोस्ट में जो आप ये 9 कीवर्ड लिखोगे, ईच जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसमें आप होम पेज को यूआरएल दोगे, इंटरलिंक करोगे आप, कह लो ये करोगे, लेकिन मुख्तलिफ कीवर्ड्स पर, अपने मेन कीवर्ड पर नहीं। जो आप होम पेज पे टॉपिक लिखा उस कीवर्ड पर आप उसको दोगे। तो ये साइट स्ट्रक्चर बना के देखना, तुम लोगों की साइट लाजमी बूस्टअप करेगी। जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे माइक्रोनिश पे मैं काम करता हूँ, तो वो ये है। तो इस स्ट्रक्चर की आप लोगों को समझ आ गई है, मुझे बताइए जरा कॉमेंट्स में। और मुझे बताएं कि माइक्रोनिश को थोड़ा रिसर्च करने में, सर्च करने में थोड़ा क्लियर हुए हैं आप, थोड़ी बहुत किसी को समझ आई है? अब कर लोगे सारे रिसर्च वगैरह थोड़ी बहुत माइक्रोनिश पे? जो न्यूबीज हैं मैं उनको रिकमेंड ही माइक्रोनिश करता हूँ। क्यों? माइक्रोनिश इजी टू रैंक है, जल्दी रैंक हो जाती है। जल्दी रैंक होगी तो जो न्यूबीज हैं वो डीमोटिवेट नहीं होंगे, वो मोटिवेट होंगे, फिर वो जाएंगे अपने यानी प्रॉपर काम की तरफ, फिर वो मल्टी निश की तरफ चले जाएं। रिवाइज जितने भाई कह रहे हैं, इस पेज पर ही वीडियो पड़ी रहनी है, आप दोबारा देख लीजिएगा लाइव, जब लाइव एंड होगी। जी बिल्कुल मोहम्मद साले। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करें लिटिल मोर इस चीज को, तो मैं 1 मिनट ठहरो, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ मैं थोड़ा इसको शेयर कर सकूं। सॉरी। अब हमने क्या करना है, होम पेज के लिए
2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। इस आर्टिकल में जो आपके 10 कीवर्ड हैं जिन पे आप पूरी साइट बना रहे हो उनको यूज करना है। यानी जैसे कि हमारा कीवर्ड था, फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, ये हमारा टॉपिक था, अगर आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो यानी ये आपका मेन टॉपिक है जिस पे लिख रहे हो, तो इसमें आप उसको कम से कम 16 to 18 टाइम्स इस कीवर्ड को यूज करेंगे, एलिमेंट वेब कूपन। ठीक है, ये आपके पास चीज आ गई। और जो आपके बाकी 9 कीवर्ड हैं उसके रिलेटेड जो आपने सर्च किए हैं, ये जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ये वाले बाकी कीवर्ड जो आपने 9 सेलेक्ट किए हैं, इन इस आर्टिकल में आपने उसको वन टाइम यूज करना है। हेडिंग्स उनकी यूज कर लो, यानी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो लाइनें लिखो हेडिंग बनाकर, इस तरह अपने होम पेज का आर्टिकल कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बाकी जो हमारे 9 कीवर्ड थे जो रिलेटेड थे ईच कीवर्ड पर, लाइक हमारा रिलेटेड कीवर्ड ये लिखा हुआ है, एक ये हमारे पास रिलेटेड कीवर्ड ये आ गया जी, अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, ये बाकी जो 9 कीवर्ड आ रहे हैं सॉरी, उनमें से एक कीवर्ड ये है, तो इस पे आप लिखोगे 500 वर्ड का आर्टिकल। ठीक है, ये हो गया। इसमें आप क्या करोगे, अगर आपने जैसे हेडिंग्स बनाई हैं तो इस आर्टिकल का जो आप पोस्ट बनाओगे इसका लिंक उस हेडिंग के ऊपर लगा देना, होम पेज पे जो आपने इस कीवर्ड के नाम से हेडिंग बनाई है, ठीक है, उस पे आपने उसको इंटरलिंक कर देना होम पेज पे जाके, यानी इसको होम पेज से लिंक मिल जाएगा इस पोस्ट को। इस पोस्ट के अंदर जो है आप जो होम पेज का मेन कीवर्ड है उसको वन टाइम यूज करोगे, एज ए हेडिंग यूज कर लो या वैसे ही आर्टिकल में यूज कर लो। ठीक है, इसको आप इस कीवर्ड को आप होम पेज का लिंक दोगे जिस पे आप मर्जी लगाओ, मैं हेडिंग्स पे लिंक लगाता होता हूं ज्यादातर। तो यहां पर आपको इजीली ईच आर्टिकल में एज इट इज आप होम पेज से उस आर्टिकल के मेन कीवर्ड को दे रहे होगे लिंक, और आर्टिकल से उसके होम पेज के मेन कीवर्ड को लिंक दे रहे होगे। ठीक है, समझ आ गई। बाकी तो अब रिलेटेड इंटरलिंकिंग तो बाकी आप लोगों को आती ही होनी, आई थिंक सो। तो समझ आ गई इस बात की कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है एक माइक्रो निश का जब आप काम कर रहे हो, आई थिंक अब क्लियर हो गया हो थोड़ा बहुत। नहीं, साइट वन पेज नहीं है, होम पेज आपने स्टैटिक बनाना है, बाकी सारी पोस्ट बनानी है। क्वेश्चन है कि माइक्रोनिश के लिए हमें ब्रांडेड डोमेन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसमें यह है कि जरूरी नहीं है, मैं ज्यादातर EMD डोमेन लेता हूँ, एग्जैक्ट मैच डोमेन, जो मेरा मेन कीवर्ड होगा, अगर एलिमेंट वेब कोपन डॉट कॉम मुझे मिल जाती है तो बेस्ट है मेरे लिए। अच्छा, चले माशाल्लाह सबको क्लियर हो गया, जो मेरा काम था वो क्लियर हो गया। अच्छा, मेरा मेन मोटो ये होता है कि यार मेरी थोड़ी सी मेहनत की वजह से किसी के घर में चूल्हा जल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, बाकी अल्लाह देने वाला है, हमें भी खाना वही देता, आपको भी रिस्क वही देता, अल्लाह एक ही है। तो बस ये होता है कि मैं इसलिए ज्यादातर चीजें शेयर करता हूँ कि मेरे पास कोई हेल्प मांगने आता है तो मैं कहता हूँ कि ये वो हेल्प मांगने नहीं आया, अल्लाह ने उसको मेरे पास भेजा कि जा वो मेरा बंदा बैठा है वो तेरी हेल्प करेगा। तो यानी जब भी कोई आपसे हेल्प मांगने आए तो उसको ना ना किया करो,
दूसरा ये है कि मेरे से लोगों को ज्यादातर ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी अपनी गलती है कि मैं फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करता। वो ये है कि यार मैं कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूँ, हेल्थ का भी प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं ज्यादातर मैसेंजर नहीं देखता। मैसेंजर पे 80% ये क्वेश्चन होते हैं, आपकी मंथली अर्निंग क्या थी, कोई नहीं पूछता कि काम का सवाल क्या पूछना। फिर ये होता है कि आप लोग एक अस्सलाम वालेकुम भेजते हो, मैं वालेकुम सलाम भेजता हूँ, अगले दिन वो क्या पूछता क्या हाल है, मैं उस अगले दिन कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उस अगले दिन वो फिर पूछता है अस्सलाम वालेकुम, यही चलता रहता है। जब अगर मुझे मैसेज करते भी हो तो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, और नीचे आप अपना क्वेश्चन लिख के पूरा सेंड कर दें, ताकि मैं जब भी फ्री हूँ आपको उसी टाइम रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो ये चीज देखा करो इस चीज में। अभी और बहुत सी चीजें थी जो मैंने शेयर करनी थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इनशाला नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। तो अभी तक अभी आपको मैंने सिर्फ माइंडसेट क्लियर किया है कि आप किस तरह एक चीज निकाल सकते हो इस चीज में। तो ये चीजें आप नहीं, मलिक वहीद भाई मैं लाहौर से होता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं मुल्तान से हूँ, तो मैं मुल्तान से नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। ठीक है, जो मैंने अभी बताई हैं इन पे काम करो। बाकी आप लोगों को यार ग्रुप में भी शेयरिंग किया करो, लोगों को रिप्लाई किया करो, उनके कोई पोस्ट कर देता, सिर्फ आप लोग अपने हिसाब से ना चला करो, शेयरिंग किया करो। अब मैं देखूंगा कि आप पाकिस्तान एसईओ ब्लॉगर और सुल्तान हो मुल्तान में मुझे फीडबैक क्या देते हो। फीडबैक ये ना लिखो कि नाइस क्लास, टैग कर दो। ठीक है, ये चीज अब मुझे आप कैसा फीडबैक देखते हो। अगर आप फीडबैक अच्छा दोगे तो इस तरह की क्लासेस और होती रहेंगी इनशाला, और आप लोगों को क्लियर होते रहेगा। और ये मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, यहीं पड़ी रहेगी, यहाँ से आप दोबारा देख लीजिएगा और इनशाला आगे काम जाऊंगा। और लाजमी फीडबैक देना है यार, मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, फीडबैक मांग रहा हूँ। तो फीडबैक दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मैं जिन लोगों को सिखा रहा हूँ वो मुझे रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज करनी है इनशाला। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मैं भी यहीं पर हूँ, आप लोग भी यहीं पर हैं, सीखते सिखाते रहेंगे आप लोगों के साथ ही। और इनशाला फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनशाला मैं बैकलिंक प्लान का सोच रहा हूँ कि बैकलिंक प्लान करूँ, बैकलिंक प्लान का काम करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो शेयर करूंगा। इसी तरह क्लास होगी जैसे मैंने वादा किया था, 1 घंटा की करूंगा, तो 1 घंटा हो गया। तो अल्लाह खैर करेगा, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, लाजमी फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।